हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश जी का उपन्यास शहीदों की चिता पार्ट 3। जब विकास पर खून सवार होता है तो उसे दुर्दान, जल्लाद और राक्षस जैसे नामों से याद किया जाता है। विकास का वही रूप उभर कर सामने आ गया। हॉल चीखों से गूंज उठा और देखते ही देखते विकास ने जग्गा को मार डाला। अंतिम चीख के साथ जब जग्गा फर्श पर गिरा तो विकास के हाथ में खून से लथपथ चाकू था। वह भयानक तेजी से धनुष टंकार की ओर पलटा। उस समय तक मोंटो अपने तीनों शिकारों को बेहोश कर चुका था। विकास के पास अब यह सोचने का समय नहीं था कि उसने पब्लिक प्लेस पर हत्या कर दी है। धनुष टंकार, जल्दी से हॉल के चार पंखों पर डोरी लटका दो। और यह कहते ही विकास ने अपनी जेब से एक ताजा ब्लेड लिया। इसके बाद उसने अपना क्रूरतम खेल शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद ही जग्गा की लाश और उसके बाकी तीनों साथियों के नंगे जिस्म पंखों पर उल्टे लटके हुए थे। उनके माथे पर ब्लेड से विकास लिख दिया गया था। पंखे चला दिए गए थे। विकास अपने इस जल्लादी काम से फारिग हुआ ही था कि वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। विकास के पागल हुए मस्तिष्क को एक झटका सा लगा। वह तुरंत होटल के पिछले द्वार की ओर भागा। धनुष टंकार उसके पीछे था। उस जल्लाद को रोकने का प्रयास भला कौन मूर्ख करता। और तब जबकि हॉल में पुलिस ने प्रवेश किया। थाने में सुपर रघुनाथ को यह सूचना दी गई थी कि उसका लड़का विकास गुलमर्ग होटल में बलवा कर रहा है। बात विकास की थी, इसलिए वह खुद जीप लेकर वहां आया था। उसने गुलमर्ग का हाल का दृश्य देखा तो भौचक्का सा रह गया। हाल के पंखों पर लटके हुए तेजी से घूमते हुए चार जिस्म, टपकता हुआ खून। रघुनाथ का दिमाग तो जैसे पागल सा हो गया। उसके मस्तिष्क में एक आंधी सी चलने लगी, तेज आंधी। विकास ने यह क्या किया, क्या किया? उसने पंखे रुकवाए, जिस्म उतारे गए। चारों के माथे पर लिखा था, विकास विकास विकास। सुपर गुनाथ का दिमाग जैसे फटने लगा। उसके सामने विकास की तस्वीर घूम उठी। अब क्या होगा? विकास को सजाए मौत? दिल ही दिल में करा उठा रघुनाथ। चेहरा सुर्ख, आंखें लाल, और उसने निश्चय किया और फोन की तरफ बढ़ा। विजय के नंबर को रिंग किया, रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ से विजय की आवाज। हम यानी विजय कुमार पापड़ वाले बोल रहे हैं। बोलिए, कितने दर्जन पापड़ चाहिए? मैं रघुनाथ बोल रहा हूँ, रघुनाथ ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा। बोले जाओ प्यारे, मना किसने किया है? अभी विजय अपनी बकवास कुछ और आगे बढ़ाता कि रघुनाथ तेजी से बोला, विजय, विकास ने हत्या कर दी है। क्या? दूसरी तरफ से एकदम विजय के चौंकने की आवाज। अरे जीजा प्यारे, क्या कहा? हाँ विजय, रघुनाथ ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, गुलमर्ग होटल में विकास ने हत्या कर दी है। इसके बाद सुपर रघुनाथ ने उसे तेजी से वह सब बता दिया जो उसे मालूम था। दूसरी तरफ से विजय ने तुरंत यह कहकर संबंध विच्छेद कर दिया कि वह गुलमर्ग पहुंच रहा है। रघुनाथ तेजी से पुलिस स्टेशन के नंबर रिंग करने लगा। उसने यह आदेश जारी कर दिया कि विकास को जल्दी से जल्दी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कर लिया जाए। यही सूचना उसने ठाकुर साहब और घर पर फोन करके रेना को भी दी थी। इस तरह की सूचना पाते ही रेना जैसे पागल हो गई। वह न जाने फोन पर क्या क्या कहने लगी। किंतु उधर रघुनाथ का दिमाग खुद ही परेशान था। उसने संबंध विच्छेद कर दिया। विकास का पैरों का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ता ही जा रहा था। कार की गति तेज तेज और तेज होती जा रही थी। उसका सारा चेहरा सुर्ख था। आंखों में पत्थर सी कठोरता के साथ एक दूसरे पर जमे हुए जबड़े,
अब वह अपनी स्थिति के विषय में सरलता से सोच सकता था। अब वह सोच सकता था कि एक छोटी सी बात पर उसने एक खून कर दिया है, कानून उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, तो फिर वह क्या करे? क्या उसके सफेद कपड़े इस समय जगह जगह से खून से सने हुए थे, बाल अस्त व्यस्त, खून से रंगे हाथ, उसे देखते ही कोई भी कह सकता था कि यह वह किसी की हत्या करके आया है। पिछली सीट पर धनुष्टंकार बैठा सिगार के कश लगा रहा था, मानो उसे किसी प्रकार की कोई चिंता ही न हो। एकाएक न जाने विकास के दिमाग में क्या आया कि वह बोला, धनुष्टंकार तुम गुलमर्ग जाओ। क्यों? धनुष्टंकार ने संकेत से पूछा। पता लगाओ कि वहां क्या हो रहा है, कहते हुए विकास ने एक झटके से कार को रोक दिया। धनुष्टंकार अपने गुरु का आशय पूरी तरह समझ चुका था। उसने एक बार विकास के चरण स्पर्श किए और कार से बाहर कूद गया। उसके निकलते ही विकास ने एक बार पुनः कार झटके के साथ आगे बढ़ा दी। उसका मस्तिष्क काफ़ी तेजी से सोच रहा था कि इस समय उसे क्या करना चाहिए। न जाने क्यों विकास को इस समय खुद ही अपने दिमाग पर ताव आ रहा था। वह सोच रहा था कि वह एकदम पागल क्यों हो जाता है कि आगा पीछा नहीं सोचता। राजनगर की सड़कों पर इसने इधर उधर दौड़ती पुलिस जीपें, पेट्रोल गाड़ियां आदि देखी तो लगा वे सब उसी की तलाश में हैं। यह गनीमत थी कि इस समय उसके पास अपनी कार नहीं थी। उसकी कार तो गुलमर्ग के कार पार्किंग में ही रह गई थी। यह कार तो एक प्रकार से चोरी की थी। 15 मिनट बाद ही उसकी कार एक झटके से अपनी कोठी के लॉन में प्रविष्ट हो गई। बड़ी तेजी के साथ वह कार से निकलकर अपने कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, सामने पड़े रैना और अजय अर्थात ब्लैक बॉय दोनों उसकी अवस्था देखते ही रह गए। विकास उन्हें देखता रह गया। अभी वह कुछ कहना ही चाहता था कि विकास, रैना चीखती हुई उसकी ओर बढ़ी। आगे बढ़कर विकास ने रैना को अपने चौड़े सीने से लगा लिया। विकास, अजय अर्थात ब्लैक बॉय गंभीर स्वर में बोला, खुद को कानून के हवाले कर दो। क्यों? विकास ने कहा। तुमने गुलमर्ग होटल में हत्या की है, कहते हुए ब्लैक बॉय ने रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं उसे हत्या नहीं मानता, विकास ने कहा। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है? अजय बोला, हत्या तो हत्या है। नहीं मामा, एकदम गुर्रा उठा विकास, मैं खुद को कानून के हवाले नहीं करूंगा। बेकार की जिद से कोई लाभ नहीं है विकास, अजय कठोर स्वर में बोला। तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। अभी विकास कुछ कहना ही चाहता था कि वातावरण पुलिस सायरन की आवाज से गूंज उठी। विकास एकदम सतर्क हो गया। लड़के के दिमाग का बैलेंस बिगड़ता जा रहा था। यह तो उसकी समझ में आ नहीं रहा था कि पुलिस और कानून से भागकर करेगा क्या, किंतु यह बात उसके दिमाग में पूरी तरह बैठ चुकी थी कि वह किसी भी कीमत पर पुलिस के हाथ नहीं आएगा। विकास का दिमाग पूरी तरह गर्म हो चुका था। पुलिस सायरन उसके दिमाग में बार बार यही शब्द गूंजता रहा। वह गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। उसने आओ दिखाना ताओ अपने गले से लिपटी रैना को उठाकर ब्लैक बॉय के ऊपर फेंक दिया, किंतु ब्लैक बॉय विकास को अच्छी तरह जानता था। वह पूरी तरह से सतर्क था। विद्युत गति से उसने पेतरा पतला, रैना खाली फर्श पर जा गिरी। उसके कंठ से चीख निकल गई, किंतु इसकी चिंता न करते हुए अजय ने विकास की टांगों पर फायर किया, लेकिन सामने था संगाट का माहिर विकास। बड़ी तेजी से उछलकर खुद को बचा गया। ब्लैक बॉय
अभी उस पर दूसरा फायर करने ही जा रहा था कि उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर बड़ी तेजी से रेना की लात पड़ी। ब्लैक बॉय को रेना से इस हरकत की कदापि आशा नहीं थी। उसके हाथ से रिवॉल्वर निकलकर कमरे के पंखे से जा टकराया। विकास, चीखती हुई रेना एकदम ब्लैक बॉय से लिपट गई। भाग जा बेटे। एक क्षण के लिए अपनी माँ का यह प्यार देखकर विकास स्तंभ सा रह गया। रेना, तुम हट जाओ, चीखता हुआ ब्लैक बॉय रेना के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जिस रेना ने ब्लैक बॉय को पकड़ा था वह घर की चार दीवारी में रहने वाली सुपर रघुनाथ की पत्नी नहीं बल्कि वह रेना थी जिसने गुसलगढ़ के दुश्मनों के खून की नदियां बहा दी थी। भाग जाओ मेरे बेटे, भाग जाओ, रेना पुनः चीखी। विकास के मस्तिष्क को झटका सा लगा। इस समय उसका यहाँ से फरार हो जाना ही श्रेयस्कर है। यही सोचकर वह तेजी से दरवाजे की ओर घूमा। तभी दाएं पूरी कोठी एक फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली विकास के बालों को स्पर्श करती हुई सामने की दीवार में घस गई थी। ऐसी भी क्या जल्दी है प्यारे दिलजले? अपने हाथ में दबे हुए रिवॉल्वर को बड़ी स्टाइल में घुमाता हुआ विजय दरवाजे के अंदर प्रविष्ट होता हुआ बोला, अभी तो हम भी खड़े हैं राहों में। विकास के साथ साथ रैना और ब्लैक बॉय भी स्तंभ से रह गए। गुरु, मुझे जाने दो, विकास गंभीर स्वर में बोला। कहाँ जाने दूँ, उसकी ओर बढ़ता हुआ विजय बोला, मैं कानून के हाथ में आना नहीं चाहता। कानून के हाथ में आज तक कोई मुजरिम नहीं भाग सका है प्यारे दिलजले, विजय बोला। तुम भाग कर जाओगे कहाँ? एकदम विकास का चेहरा कठोरतम होता चला गया। बोला, कुछ भी हो गुरु, आपके चरणों की कसम, मैं हाथ नहीं आऊँगा। इसके पूर्व की विजय कुछ कहे, रेना बोली, विजय भैया विकास को जाने दो। रेना ने तो कहा ही था और विकास ने हरकत ही कर दी। किसी खूनी चीते के भांति एकदम विकास का जिस्म हवा में टकराया। विजय का रिवॉल्वर गरज उठा, रेना की चीख निकल गई, लेकिन विकास हवा में ही कबूतर के भांति कला खाकर खुद को बचा गया। संघाट वाला यह दाव उसे विजय ने ही सिखाया था और आज यह दाव लड़के ने विजय पर ही मार दिया। इसके पूर्व कि विजय दूसरा फायर करे, हवा में लहराता विकास उसके ऊपर जाकर गिरा। उधर ब्लैक बॉय ने विकास पर झपटना चाहा, लेकिन रेना ने एकदम उसकी टांग पकड़ ली। जंप लेने की कोशिश करते हुए ब्लैक बॉय का बैलेंस बिगड़ गया और वह मुंह के बल फर्श पर गिरा। इधर विजय के हाथ से रिवॉल्वर तो निकल गया, लेकिन उसने तेजी से घुटना विकास के पेट पर दे मारा। विजय की चोट पूरी तरह सख्त थी, तभी तो विकास पेट पकड़कर दोहरा हो गया। उसी क्षण विजय की दुलती उसके गर्दन पर पड़ी। विकास मुंह के बल फर्श पर गिरा। एक पल के लिए विजय ने सोचा उसने किला जीत लिया है, और यह सोचना ही उसकी भूल थी। गजब की तेजी के साथ विकास की दोनों लातें उसके चेहरे पर पड़ी। विजय खुद को संभालने की चेष्टा कर खुद को गिरने से बचा लिया, मगर तभी विकास का एक जबरदस्त कूसा उसके चेहरे पर पड़ा। हवा में उछलकर विजय दड़ाम से फर्श पर गिरा। झपटकर विकास ने उसकी टांगे पकड़ ली। बोला, चरण स्पर्श करो, क्षमा करना। विजय अभी कुछ करना ही चाहता था कि विकास ने उसे दूसरी ओर उछाल लिया और खुद भयानक फुर्ती से कमरे के बाहर जंप लगा दी। दाएं तभी बाहर एक गोली चली। गर्म दहकता हुआ शोला विकास की दाई जांग में घुसता चला गया। अपनी जगह पर विकास तेजी से फिरकनी की भांति दो तीन बार घूमा। ओ लौट कर वह तुरंत फर्श पर गिर गया। जान से ढेर सारा खून फर्श पर बिखर गया। हैंड्स अप, सुपर रघुनाथ की आवाज गूंजी। भयानक पीड़ा के होते हुए भी विकास खड़ा हो गया। उसका सारा चेहरा भट्टी की तरह तप रहा था। उसने देखा
इस समय वह चारों ओर से बुरी तरह घिरा हुआ है। सामने पुलिस जीप के पास रघुनाथ खड़ा था। उसने रिवॉल्वर की नाल से अब भी धुआं निकल रहा था। उसके रिवॉल्वर की नाल से अब भी धुआं निकल रहा था। विकास पर यह फायर रघुनाथ ने ही किया था। एक तरफ ठाकुर निर्भय सिंह खड़े थे। विकास के चारों ओर इस समय लगभग 20 सहस्त्र पुलिस के जवान थे। उसके पीछे कमरे के दरवाजे पर विजय, ब्लैक बाय और रैना खड़े थे। विकास के चेहरे की मांसपेशियां तन गई, चेहरा जैसे तपकर ज्वालामुखी बन गया। मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, गुर्रा उठा विकास। मैं मर जाऊंगा लेकिन गिरफ्त में नहीं आऊंगा। विकास, ठाकुर निर्भय सिंह की आवाज गूंजी, पागलपन छोड़ो, खुद को कानून के हवाले कर दो। नहीं नाना, चीख पड़ा विकास। विकास को दुनिया की कोई ताकत गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसी समय रैना के जिस्म में जैसे बिजली भर गई। बड़ी तेजी से वह कमरे के अंदर झपटी। कमरे में पड़ा रिवॉल्वर उसने उठाया। अभी कोई कुछ समझ भी नहीं पाया कि वह झपट कर कमरे से बाहर आ गई। रिवॉल्वर अपनी कटपटी से लगाया और चीखी, अगर किसी ने मेरे लाल को रोकने की कोशिश की तो मैं खुद को गोली मार लूंगी। उसकी यह चीख सबने सुनी, सब स्तंभ से रह गए। विजय, अजय, निर्भय सिंह, रघुनाथ, सारी पुलिस फोर्स और विकास तब रैना को देखता ही रह गया। रैना इस समय रणचंडी सी लग रही थी। बिखरे हुए बाल, आंसू भरी आंखें, अस्त व्यस्त साड़ी, कनपटी से रिवॉल्वर सटाए वह एक एक को घूर रही थी। वातावरण में सन्नाटा सा छा गया। शातिरों की नजरें एक दूसरे से बुली। रैना, सुपर रघुनाथ कठोर स्वर में बोला, यह क्या बेवकूफी है? बेवकूफी नहीं, माँ का दिल है यह, चीख पड़ी रैना। आपकी नजरों में बेटे की कीमत कोई नहीं? अपने फर्ज और कानून की बलि वेदी पर आप अपने बेटे को चढ़ा देना चाहते हैं? और आप, रैना ने ठाकुर निर्भय सिंह की ओर देखते हुए कहा, आप विकास के नाना हैं, आप भी उसे फर्ज के फंदे पर चढ़ा देना चाहते हैं? आपकी नजरों में विकास कुछ भी नहीं है, जो है कानून है। कानून नहीं, मैं अपने बेटे को कभी आपके हाथ में नहीं आने दूंगी, पागल सी होकर चीखती जा रही थी। और तुम विजय भैया, तुम भी अपनी बहन की गोद सूनी करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें भी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तुम में से किसी को भी कामयाब नहीं होने दूंगी। अगर किसी ने भी विकास को रोकने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। विकास ने अपनी माँ की ओर देखा, उसकी ममता देखी और उसके बाद चेहरे पर उसकी नज़र फिसलती चली गई। सभी अवाक से रह गए। विकास ने समय व्यर्थ करना उपयुक्त नहीं समझा। वह हल्की सी लंगड़ाहट के साथ आगे बढ़ा और विजय के करीब पहुंचकर बोला, विजय इधर आओ। क्यों जीजा प्यारे? विजय उसके साथ चलता हुआ बोला, क्या हाल है? विजय बड़े गंभीर स्वर में सुपर रघुनाथ बोला, जिंदगी में तुमने मेरे बहुत से काम किए हैं। ऐसे बहुत से केस हैं विजय जिन्हें हल तुमने किया लेकिन नाम मेरा हुआ है। लेकिन आज मैं सबसे बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। सैकड़ों आदमियों के बीच में विकास ने खून किया है। अगर उसे जल्दी ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो सारा शहर यही समझ लेगा कि सुपर रघुनाथ का लड़का होने के कारण पुलिस उसे पकड़ नहीं रही है। मेरी बेइज्जती के अतिरिक्त मेरी अभी तक की बेदाग नौकरी पर दाग लग जाएगा, साथ ही पूरे पुलिस महकमे पर कीचड़ उछाली जाएगी। हमसे क्या चाहते हो प्यारे तुला राशि? किसी भी तरह तुम विकास को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लो प्यारे रघु डालिंग, विजय बड़े आराम से बोला। पहली बात तो यह है कि हमारा दिलजला कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं जिसे दौड़ते ही पकड़ लिया। मेरी बात मानो तो अब यह गलतफहमी ही दिमाग से निकाल दो प्यारे सुपर की विकास हाथ में आ सकता है। अब यह शैतान किसी के हाथ नहीं आएगा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ जिया जी,
बड़े अजीब ढंग से बोला विजय, मेरा मतलब यह है कि क्या तुम अब विकास से इतने घबराने लगे हो कि वह तुम्हारे हाथ नहीं आ सकेगा। रघुनाथ ने कहा, क्या तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा? आज तक तुमने सिंघही जैसे अपराधी के बारे में भी यह नहीं कहा है कि तुम उसे पकड़ नहीं सकोगे। सिंघही और विकास में बहुत अंतर है प्यारे, विजय बोला, लेकिन तुमने यह कैसे समझा कि हम विकास को पकड़ नहीं सकते? तुम्हें शायद मालूम नहीं है प्यारे तुला ऋषि कि हम अफलातून के वंशज हैं। विकास को क्या उसके बाप की भी चमड़ी उधेड़ देंगे? विजय, थोड़े कठोर स्वर में रघुनाथ बोला। जी, और फिर विजय एकदम बुरी तरह बौखलाने का अभिनय करता हुआ बोला, यानी कि विकास के पिता। ओह सॉरी प्यारे। यार मजाक मत करो विजय, परेशानी की सी हालत में गिड़गिड़ाता सा बोला रघुनाथ। स्थिति को समझने की कोशिश करो। कोशिश क्या करे प्यारे, विजय बोला, यह साला दिलजला अपनी कार के चारों टायर शहीद कर गया है, उसमें पेट्रोल भी कम है। और मुसीबत तो यह है प्यारे सुपर साहब, सुबह से इसमें भी पेट्रोल नहीं पड़ा, कहते हुए विजय ने अपने पेट पर हाथ फेर दिया। इस गंभीर परिस्थिति में भी रघुनाथ मुस्कुरा उठा, बोला, तुम अपनी पुरानी आदतें छोड़ नहीं सकते? वह आदत ही क्या प्यारे तुला राशि जो दूर हो जाए, विजय बेशर्मी से बोला। यह तो तुम जानते ही होंगे कि आजकल जरा कड़की चल रही है। कितने चाहिए? रघुनाथ ने पूछा। फिलहाल 50 रुपये से काम चल जाएगा, विजय उसकी जेब का ख्याल रखता हुआ बोला। बस यह कार्ड ठीक करा दो, गरिमा में दावत दे दो, सब हो जाएगा, रघुनाथ बोला। पहले जरा तुम मेरे साथ कोतवाली चलो। नहीं प्यारे, विजय बोला, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। चलो अच्छा, रघुनाथ बोला, पहले करीमा चलते हैं। इसके पश्चात वे दोनों सबको वहीं छोड़कर गरिमा में पहुंचे। वहां विजय ने रघुनाथ से शानदार दावत ली और साथ में अपनी जगजकियों के जरिए उसने रघुनाथ की बोर भी किया। कई बार तो रघुनाथ की यह बोरियत इस हद तक पहुंची कि उसे ताव आ गया, किंतु इस समय क्योंकि विजय से उसे काम था इसने खुद को सभ्यता के दायरे में रखा। एक बार विजय बीच में उठा और गरिमा के बाहर ही बने बूथ से उसने सीक्रेट सर्विस के चीफ अर्थात पवन की हैसियत से अशरफ, विक्रांत, नाहर, परवेज और आशा इत्यादि को विकास की तलाश करने के आदेश दिए। और तब जबकि विजय ने नाक तक पेट भर लिया तो बेशर्माई से उठते हुए रघुनाथ से 50 रुपये मांगकर जेब गर्म की और उसके साथ कोतवाली पहुंचा। कोतवाली में पहुंचते ही सुपर रघुनाथ ने एक कांस्टेबल से जंगा की लाश के बारे में पूछा। उसने बताया कि जग्गा की लाश अभी कोतवाली के ही एक कमरे में है। इस समय विजय और रघुनाथ उसी कमरे में थे जहां एक लंबे से ताबूत में जग्गा की लाश पड़ी थी। तो यह है वह चिड़ी मार जिसके खून के चक्कर में अपना दिल जला पड़ गया, कहता हुआ विजय ताबूत की ओर बढ़ गया। रघुनाथ चुपचाप अपने स्थान पर खड़ा था। विजय ने ध्यान से लाश को देखा। जग्गा के माथे पर ब्लेड से उधड़कर विकास ने अपना नाम लिख दिया था। विजय लाश पर झुका और न जाने क्या सोचकर वह उसकी जेबें टटोलने लगा। उस समय वह दंग रह गया जब उसकी जेब में 5,000 रुपये निकले। उसने तेजी से उसकी दूसरी जेब टटोली। उसके हाथ में एक तय किया हुआ कागज आ गया। उसने कागज को तेजी से खोलकर पढ़ा। लिखा था, प्यारे जगा, हमें मालूम है तुम अपने इलाके के माने हुए गुंडे हो, सब तुम्हारा खोप खाते हैं, किंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कमाते क्या हो? वही 50-60 रुपये। तुम जैसा पहलवान व्यक्ति धन के अभाव में रहे यह हम उचित नहीं समझते। तुमने माफिया का नाम तो सुना ही होगा। तुम निश्चित रूप से जानते ही होगे कि माफिया एक विश्व प्रसिद्ध अपराधी संस्था है। इस संस्था के किसी भी सदस्य पर किसी भी देश की पुलिस हाथ नहीं डालती। सारी दुनिया जानती है कि माफिया अपने एक एजेंट के बदले में देश की सरकारें तक उलट देती है। इस संस्था में आकर कोई भी अपराधी खुद को किसी भी देश की पुलिस से सुरक्षित कर लेता है। दुनिया का हर अपराधी अक्सर माफिया का सदस्य बनने के लिए तड़पता रहता है, किंतु तुम शायद पहले ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हो
जिसे माफिया खुद दल में शामिल होने के लिए ऑफर दे रही है। अगर तुम अपनी बैग बनाना चाहते हो कि किसी भी देश की सरकार तुम पर हाथ न डाल सके, तो माफिया तुम्हारे लिए उचित संस्था है और हम माफिया में तुम्हें आमंत्रित करते हैं। परंतु माफिया में प्रविष्ट होने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। उस काम के लिए हम तुम्हारे पास 5,000 रुपये एडवांस भेज रहे हैं। काम भी कोई कठिन नहीं है। अपने जीवन में तुमने अनेक खून किए हैं। माफिया में शामिल होने के लिए केवल तुम्हें एक ही खून करना है। यह खून तुम्हें फौरन इसी समय करना है। गुलमर्ग होटल के हॉल में मेज नंबर 5 पर एक लड़का अपने बंदर के साथ बैठा है। पहचान के लिए हम लिख दे रहे हैं कि यह लड़का 7 फुटा लंबा, गोरा चिट्टा और आकर्षक है। उसके जिस्म पर इस समय सफेद दूध जैसे कपड़े हैं। खून करने के लिए तुम्हें 5,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। अगर तुमने अपना काम कर लिया तो निश्चय ही तुम्हें हिंदुस्तान की पुलिस की चिंता नहीं करनी है। माफिया तुम्हें अपना एजेंट मानेगी और खुद तुम्हारी हिफाजत करेगी। डॉन मस्त्रोनी, चीफ ऑफ माफिया। विजय ने पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा कनपट्टी तक सुर्ख हो गया। सारा रहस्य उसकी समझ में आ चुका था। इस पत्र को पढ़ते ही वह विकास के ऊपर मंडराते भयानक खतरे को भांप चुका था। उसकी आंखों के सामने वे सारे दृश्य घूम गए। जब विकास प्रलयकारी बनकर न केवल माफिया के ऊपर मंडरा आया था, बल्कि पूरे अमेरिका में उसने माफिया के एजेंटों की लाशों के ढेर लगा दिए थे। और ये डॉन मस्त्रोनी। विजय जानता था कि डॉन वही व्यक्ति है जिसकी विकास ने एक विचित्र आंख फोड़ दी थी। उसके माथे पर विकास ने ब्लेड से अपना नाम लिख दिया था। इसी डॉन ने रेना पर बुरी दृष्टि डाली थी। इसकी सजा देते हुए विकास ने डॉन का लिंग काटकर उसे नपुंसक कर दिया था। विजय जान गया था कि यह वही डॉन है। निश्चित रूप से डॉन के दिल में विकास के प्रति प्रतिशोध की आग धधक रही है। डॉन विकास से बदला लेना चाहता है और डॉन के साथ है माफिया, विश्व की सबसे खतरनाक और विशाल अपराधी संस्था। इसका मतलब विकास के सिर पर मौत मंडरा रही है। अभी विजय अपने विचारों में ही गुम था कि सुपर रघुनाथ की आवाज ने उसकी विचार श्रृंखला को तोड़ दिया। क्या बात है विजय, यह कैसा कागज है? विजय के मस्तिष्क को एक झटका सा लगा। उसने खुद पर नियंत्रण किया और बोला, प्यारे तुला राशि, हम सब बेवकूफ हैं। क्या मतलब? चौका रघुनाथ। मतलब समझने के चक्कर में रहे तो बूढ़े हो जाओगे, विजय बोला। इस समय तुम केवल इतना समझ लो कि यह पत्र अखबार में छपवा दो। विकास के माथे पर लगा जग्गा की हत्या का कलंक धुल जाएगा। इससे यह साबित हो जाएगा कि विकास ने यह हत्या नहीं की है, बल्कि एक गद्दार को मारा है। कानून उसे कोई सजा नहीं दे सकेगा। मुजरिम विकास नहीं बल्कि माफिया है। माफिया? माफिया, यह नाम सुनते ही उछल पड़ा रघुनाथ। उछलो मत जीजा प्यारे, विजय बोला। जरा बुद्धि के पट खोलकर तेजी से काम करो और सरकारी लोगों को केवल यह आदेश दो कि विकास पर न तो किसी तरह का कोई हमला करना है और न ही उसे गिरफ्तार करना है। हिंदुस्तान में इस समय माफिया सक्रिय है। डॉन मस्त्रोनी विकास से अपना पुराना हिसाब चुकाना चाहता है। यह साला जग्गा भी एक प्रकार से माफिया का ही आदमी है। विकास की जान खतरे में है प्यारे, उसे तलाश करने का काम जारी करो। यह तुम क्या कर रहे हो, कह रहे हो? रघुनाथ अभी तक आश्चर्य व्यक्त करने में व्यस्त था। तुम मुझे यह बताओ प्यारे कि क्या गुलमर्ग में विकास के साथ धनुष टंकार भी था, विजय ने प्रश्न किया। हाँ, अब कहाँ है, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है, रघुनाथ ने कहा। वह विकास के लिए जासूसी करने पुनः गुलमर्ग में पहुंचा था। अबे तुला राशि, ये बता कि अब वो कहाँ है, आओ मेरे साथ, रघुनाथ ने कहा और उस कमरे से बाहर निकल गया। विजय तेज कदमों के साथ उसके पीछे पीछे था। वे एक कमरे के पास पहुंचे। बाहर खड़े एक सिपाही ने कमरे का लॉक खोला। वो दोनों अंदर प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होते ही
वे दोनों बुरी तरह चौंक पड़े। अरे, एक खाली पिंजरे को घूरते हुए रघुनाथ के मुंह से निकला। कमरे में एक पिंजरा लटक रहा था। उस पिंजरे की सलाखें मुड़ी तुड़ी हुई थी और कमरे के रोशनदान का शीशा टूटा हुआ था। क्या हुआ प्यारे तुला राशि? सब कुछ समझने के बावजूद भी विजय ने प्रश्न किया। धनुष टंकार को मैंने उसी पिंजरे में कैद किया था, रघुनाथ टूटे पिंजरे और रोशनदान को घूरता हुआ कह रहा था।